हेलो, जय जोहार एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेव न्यू पीटी कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और सब इंस्पेक्टर एग्जाम जैसा कि आप सब जानते हैं 6 नवंबर को होने वाला है, जिसके लिए हमारे संस्थान की ओर से एक रिवीजन कोर्स जिसमें एमसीक्यूज के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपको रिवाइज कराई जा रही हैं ताकि वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। उस बैच का नाम हमने दिया है अभ्यास बैच, और जिसमें आज जो है हम भारतीय करंट अफेयर्स के टॉप 25 एमसीक्यूज लेकर के आए हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे वीडियोज लेकर के आएंगे जिसमें हम प्रयास करेंगे कि आपका पूरा इंडियन करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर और पूरा स्टैटिक पोर्शन भी जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाए ताकि आप एग्जाम में जाएं और बेहतर परफॉर्म करके आ सकें। तो भारतीय करंट अफेयर, इंडियन करंट अफेयर के टॉप 25 एमसीक्यूज हम आज डील करेंगे, जिसकी शुरुआत हम करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास कौन सा है, यह अभ्यास होगा। तो देखिए, हम सबको पता है कि सैन्य अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन व्यापम के बहुत ही फेवरेट होते हैं, और बिल्कुल ही रीसेंट कंक्लूड अगर हुआ है तो वो तो फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पिछले एक साल में जितने भी अभ्यास हुए हैं, अगर वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं याद करने के लिए, तो पिछले 2-3 महीने में जितने भी अभ्यास हम भारत और अन्य देशों के बीच में हुई है उसको आप जरूर याद करके रखें। फिलहाल भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में, खासकर नौसेना के बीच में होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास जो है वो है आपका वरुण, और जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है बोंगो सागर, उसको अगर हम देखें तो वो जो है आपका भारत मतलब कि इंडिया और बांग्लादेश की सेना के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब कि नौसैनिक अभ्यास है। समुद्र शक्ति को अगर आप देखोगे तो ये भारत, इंडिया और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में नौसेना के बीच में होने वाला एक अभ्यास है। और जबकि जीमैक्स जो है जापान, जे से जापान और आई से इंडिया, जापान और इंडिया के बीच में होने वाला एक नौसेना अभ्यास है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इन चारों को आप याद रखें। वरुण जो है भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में होता है, बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश, समुद्र शक्ति आपका इंडिया और इंडोनेशिया, जबकि जीमैक्स जो है वो इंडिया और जापान, और हाल ही में जो है आपका कोकाडू सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, वो अभी हाल ही में कंक्लूड हुआ है, वो जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। इसमें बहुत सारे देशों के नौसेनाओं ने भाग लिया, जिसमें भारत की नौसेना ने भी भाग लिया था। तो ये वरुण को आप जरूर याद रखें। वरुण किसके किसके बीच में होता है, गरुड़ अभ्यास किसके किसके बीच में होता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैन्य अभ्यास से बहुत सारे सवाल बनते रहते हैं। तो ये तो हो गया आपका पहला टॉपिक। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन देखें, तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए, ये पुरस्कार देखकर ऐसा लगता है कि किसी संगीतकार को दिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे, आप सब जानते हैं, भारत रत्न लता मंगेशकर जी के याद में जो है इसे शुरुआत की गई इस पुरस्कार की, और देश सेवा समाज सेवा के क्षेत्र में जो बेहतर कार्य करेगा उसको ये सम्मान देने की घोषणा की गई है। तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। लेकिन बाकी भी जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम नीलमणि फुकन जी को देखेंगे तो ये इन्हें जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया था, और नीलमणि फुकड़ जी जो है वो एक असमिया लेखक हैं, ठीक है। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जी को, असमिया लेखक हैं। और दूसरा जो नाम दिया हुआ है दामोदर मौजो, इन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया। ये एक कोंकणी लेखक है, कोंकणी जो है गोवा के क्षेत्र में बोली जाती है। प्रथम नामक एक एनजीओ है, इसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था 2021 के लिए। तो जितने भी ये पुरस्कार दिए जाते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में। तो अगर आप कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर रहे हैं या फिर आप नहीं भी कर रहे हैं, तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम प्रयास करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, उन सबको एक बार हम रिवाइज करते हुए चलें। तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो, और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है प्रथम नामक एनजीओ जो कि मुंबई बेस्ड एक प्रथम नामक एनजीओ है उसे दिया गया था। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो तीसरा सवाल अब हम देखते हैं, व्यापम का कहीं ना कहीं ये फेवरेट सवाल रहता है कि अक्सर जो सेना के हमारे अध्यक्ष रहते हैं, चीफ रहते हैं, उससे कई बार सवाल पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन है, मतलब कि आर्मी चीफ आपके कौन है। तो हालिया नवीन नियुक्ति है मनोज पांडे जी। तो मनोज पांडे जी कौन है, अभी आपके थल सेना के अध्यक्ष है, आर्मी के चीफ है। आर हरि कुमार जो ऑप्शन ए है, ये किसके अध्यक्ष है अगर देखा जाए तो ये जो है नौसेना अध्यक्ष है, ठीक है। तो इनका नाम भी याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विवेक राम चौधरी जी का नाम जो इसलिए याद रखना है क्योंकि ये वायु सेना के अध्यक्ष हैं आपके,
वायुसेना मतलब कि एयरफोर्स के चीफ हैं विवेक राम चौधरी। और अनिल चौहान जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी नवीन नियुक्ति हुई है और ये आपके भारत के सेकंड CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, तो इसलिए इनका नाम याद रखना है। अभी रिसेंट नियुक्ति है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनिल चौहान जी का नाम, मनोज पांडे जी का नाम, तो ये दोनों ही नाम आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा करके रखना है। अनिल चौहान जो है CDS है, मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष है, आर हरि कुमार जो है आपके नौसेना, और विवेक राम चौधरी जो है वायुसेना अध्यक्ष है। अगला सवाल क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। कई बार व्यापम में ऐसे क्वेश्चंस वन लाइनर उठा लेता है और हम उसको पढ़े नहीं होते हैं, इसलिए इसको एक बार देख करके चलते हैं कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत मतलब कि यहाँ पे कार्बन जितना उत्सर्जित होता है उतना ही अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो ऐसी पंचायत जो है पल्ली ग्राम जम्मू कश्मीर, ये आपका आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के पल्ली ग्राम में। दूसरा अगर आप गुजरात और भी बाकी ऑप्शंस भी अगर आप देखते हैं, गुजरात, जामताड़ा, लक्षद्वीप, अगर लक्षद्वीप को देखेंगे तो ये भारत का पहला टीबी मुक्त आपका केंद्र शासित प्रदेश है। टीबी मुक्त, ट्यूबरकुलोसिस मुक्त यूनियन टेरिटरी है पहला, ठीक है। जामताड़ा, आप सबने इससे संबंधित वेब सीरीज के बारे में जरूर सुना होगा जहां से आपको अक्सर फोन आते हैं KBC के नाम पे और आपसे ठगी कर ली जाती है, तो वहीं पे एक पॉजिटिव चेंज भी हुआ है। जामताड़ा देश का ऐसा पहला जिला बना है जहां प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है आपका जामताड़ा, जो कि कहां है, झारखंड में है। और यहां पे प्रत्येक गांव में अगर आप देखें, प्रत्येक गांव में जो है पुस्तकालय है मतलब कि लाइब्रेरी है, क्लियर। और देश की पहली बालिका पंचायत अगर देखोगे आप तो वो गुजरात में है। देखो हर एक ऑप्शन क्वेश्चन है ना, इसको क्लियर रखना, हर एक ऑप्शन जो है आने वाले एग्जाम का क्वेश्चन है। तो पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत तो जरूर पल्ली ग्राम हो गई, गुजरात जो है वहां भारत की पहली बालिका पंचायत, बालिका पंचायत, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो पल्ली ग्राम को इसलिए याद रखना है क्योंकि वो कार्बन न्यूट्रल था, गुजरात में भारत की पहली बालिका पंचायत, जामताड़ा एक ऐसा जिला है भारत का जो प्रथम जिला है जहां प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी बनाई गई है, लक्षद्वीप आप सबको पता है केंद्र शासित प्रदेश है और वो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो अब टीबी मुक्त हो चुका है। आपके लिए एक सवाल है कि भारत सरकार ने कब तक भारत को जो है टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रपति जी ने इसकी घोषणा की है, तो इसको भी आप याद करके चलें, मैं चाहूंगा कि उसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। चलिए पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं, आज का पांचवा सवाल है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। देखिए कई बार व्यापम ऐसे सवाल उठाता है, जो नवीन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है दूसरे देशों में जिसकी भारत के साथ भी ठीक ठाक संबंध है, वहां से सवाल उठा लेता है। तो हंगरी एक यूरोप का देश है और वहां की पहली महिला, क्योंकि पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी पूछना चाह रहा है, तो कैटलिन नोवाक जो है, कैटलिन नोवाक जो है आपकी हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति है, क्लियर। दूसरा अगर हम नाम देखें, जैसे कि लीज ट्रस्ट जी का नाम है ऑप्शन डी में, तो अभी आप सबको पता है ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द सेकंड का डेथ हुआ, प्रिंस चार्ल्स द थर्ड वहां के नए राजा बने, कौन, प्रिंस चार्ल्स। और वहां कैसा सिस्टम है, डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट और मोनार्की का बताने की जरूरत नहीं है। तो लीज ट्रस्ट जो है उसी ब्रिटेन की, उसी इंग्लैंड की जो है आपकी नई प्राइम मिनिस्टर है, ठीक, लीज ट्रस नवीन नियुक्ति है, हाल ही में बनी है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के थे उनको हरा करके बनी है लीज ट्रस, कहां की, ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर। कैटलिन नोवाक जो है आपकी हंगरी की नई राष्ट्रपति है, एलिजाबेथ बॉन जो है आपकी फ्रांस की नई प्राइम मिनिस्टर है, फ्रांस की क्या है, प्रधानमंत्री है, फ्रांस की क्या है, प्रधानमंत्री है। तो इतने सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है, कैटलिन नोवाक कहां की महिला राष्ट्रपति है, हंगरी की, आपके एलिजाबेथ बॉन कहां की है, तो फ्रांस की, और एलिजाबेथ बॉन जो है आपके, आपने जॉर्ज पंचम का नाम जरूर सुना होगा दिल्ली दरबार के समय, तो उन्हीं की रिलेटिव है, इसलिए भी इनका नाम याद रखना है, और महिला प्रधानमंत्री है फ्रांस की। और लीज ट्रस्ट कहां की प्रधानमंत्री है, तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री है, तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। और वहां के नए राजा कौन बने, तो प्रिंस चार्ल्स द थर्ड, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और क्या एक नाम है, मैग्डालेना एंडरसन, ये भी हाल ही में नवीन प्राइम मिनिस्टर बनी है, और कहां की प्राइम मिनिस्टर बनी है ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ये भी प्रथम प्रधानमंत्री बनी है। अगर आप सबको नहीं पता है तो थोड़ा सर्च कीजिए, और पता है तो कमेंट में लिखिए। चलिए भारत के नवीन मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब कि चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजीव कुमार, क्लियर। बाकी ऑप्शंस में क्या क्या है अगर ये देखें, तो परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर कौन है, तो ये नीति आयोग के नए CEO हैं,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग परमेश्वरन अय्यर। गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में पूछोगे तो ये कौन थे, तो ये लद्दाख के पहले उपराज्यपाल थे और अभी वर्तमान में क्या है, तो ये सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा कौन है, तो ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष हैं और पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अरुण कुमार मिश्रा कौन है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान सीएजी है, महालेखाकार, और परमेश्वरन अय्यर जो है नीति आयोग के सीईओ, और मुख्य चुनाव आयोग जो है राजीव कुमार जी। क्लियर, यहां तक। अगले टॉपिक पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है और इसमें भारत के किस संस्थान ने भारतीय संस्थानों के बीच में टॉप रैंक प्राप्त किया है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा आईआईएससी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो भारतीय संस्थानों में टॉप पर रहा। अब बाकी जो यूनिवर्सिटीज भी देख रहे हैं आप, आईआईटी मुंबई, दिल्ली, मद्रास, ये भी टॉप 500 में जगह बनाने में सफल रहे, लेकिन भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में नहीं थी। साउथ एशियन कंट्रीज में है ना, साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ यूनिवर्सिटी भी आपका आईआईएससी बेंगलुरु ही है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वर्ष 2022 के लिए चार भारतीयों ने पुलित्जर पुरस्कार जीता, निम्न में से उनका चुनाव करें जिन्होंने ये नहीं जीता है। तो देखिए, चार भारतीयों को जो है 2022 के लिए पुलित्जर दिया गया था फीचर फोटोग्राफी के लिए, मतलब फोटोग्राफी के माध्यम से जर्नलिज्म करने के लिए। तो उसमें से एक तो हो गए आपके सना अहमद मट्टू, दूसरे हो गए अमित दवे, तीसरे हो गए दानिश सिद्दीकी, लेकिन जो राणा अयूब हैं, एक राइटर है और एक्टिविस्ट है, इनको ये सम्मान नहीं मिला है। तो सना अहमद मट्टू का नाम याद रखेंगे, अमित दवे का नाम याद रखेंगे, दानिश सिद्दीकी का नाम भी याद रखेंगे। दानिश सिद्दीकी वो जर्नलिस्ट हैं जो अफगानिस्तान क्राइसिस के टाइम पे अफगानिस्तान में कवरेज करने गए थे, वहां पे तालिबानियों के हाथों मारे गए थे। ठीक है, तो क्योंकि भारतीय हैं और इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है इसलिए इनका नाम जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर आपका राणा अयूब हो जाएगा, जिन्हें ये पुरस्कार नहीं दिया गया है, बाकी तीन जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्लियर, चलिए अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, रेत की समाधि टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि टॉम ऑफ सेंट, ये किताब है, भारतीय भाषा में लिखी हुई पहली किताब है जिसे कौन सा सम्मान दिया गया, अगर बोला जाए तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। भारतीय भाषा, किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली किताब है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया, तो इसकी लेखिका का नाम पूछ रहा है, तो इसकी लेखिका का जो नाम है वो है आपका गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज ऐसे किताब को दिया जाता है जिसका अनुवाद जो है अंग्रेजी में होना चाहिए, कंपलसरी है, और उसका पब्लिकेशन जरूरी रूप से ब्रिटेन और आयरलैंड में होना चाहिए। तो इसके जो अनुवादक होते हैं और जो मुख्य लेखिका होती हैं, दोनों के बीच में ये प्राइज मनी जो 50,000 यूरो का दिया जाता है, वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो भारतीय भाषा की प्रथम किताब रेत की समाधि, तो वो नाम भी इंपॉर्टेंट है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया, और ये इसकी लेखिका का नाम जो है गीतांजलि श्री, तो गीतांजलि श्री जी का नाम भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर, तो यहां तक हो गया आपका। इसमें और जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं, तो माधवी पूरी बुच, ये व्यापम पूछ चुका है सवाल, रिसेंट नियुक्ति है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, माधवी पूरी बुच। आर्या राजेंद्रन को अगर आप देखोगे तो भारत की सबसे युवा मेयर, मतलब कि यंगेस्ट मेयर, मेयर समझते होंगे आप लोग, नगरी निकाय में जो मेयर होता है उन्हीं की बात कर रहा है, तो 21 वर्ष की उम्र में ये मेयर बन गई थी। कहाँ की रहने वाली है, तो केरल की रहने वाली है। शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित, ये जो है JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की पहली महिला चांसलर रही है, फर्स्ट फीमेल चांसलर, महिला चांसलर, और वो भी पहली है ना, तो इसलिए नाम जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। द फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ JNU शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित, आर्या राजेंद्रन जो है आपकी यंगेस्ट मेयर रही है, ऐसा सवाल कई बार व्यापम पूछता है, माधवी पुरी बुद्ध जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, और टॉम ऑफ सैंड रेत की समाधि लिखने वाली आपकी गीतांजलि श्री। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, मतलब की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2022 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही, तो बहुत ही बुरा रैंकिंग रहा है, भारत की बैंकिंग रैंकिंग 150 रही है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वें नंबर पे रहा। 135 जो दिख रहा है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर
इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 135 रही है, 132 जो है एचडीआई रैंकिंग रही है 2022 के लिए भारत की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 के लिए भारत की रैंकिंग 132 रही है 191 देशों में, और ये बिल्कुल रिसेंटली दो दिन पहले एक रैंकिंग आई है 107 रैंकिंग किस में रही है अगर पूछा जाए आपको तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब विश्व भुखमरी सूचकांक, ठीक है, विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग 107, इसे क्या बोला जाता है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये जितने भी इंडेक्स आते हैं साल भर के उसको जरूर एक नजर देख करके आप जाएं, क्योंकि यहां से बहुत सारे सवाल बनने की संभावना रहती है और डेफिनेटली गिरे हालत में एक सवाल तो जरूर बनेगा। तो ये चार रैंकिंग तो हमने देख ली, और भी रैंकिंग आने वाले क्वेश्चंस आने वाले वीडियोस में हम जरूर देखेंगे। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 150 है, 135वीं रैंकिंग उसकी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में है, इसके अलावा वैश्विक शांति इंडेक्स जो होता है मतलब कि पीस इंडेक्स उसमें भी भारत रैंकिंग 135 ही है, 132 रैंकिंग उसकी एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है, कंफ्यूज नहीं होना, 131 2020 के लिए था, 132 जो है 2021 के लिए, और इसकी रैंकिंग एक साल पीछे चलती है एचडीआई की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग 107 है जो कि अच्छी खबर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। आप सबको पता है दिल्ली का मैटर हमेशा विवादित रहता है, वहां के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में झगड़ा चलता रहता है, इसलिए जो है आपको ये वाला नाम भी याद रखना है। तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं आपके विनय कुमार सक्सेना जी। तो विनय कुमार सक्सेना जो है वो दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं, तो इनका नाम याद रखना है। अगला जो ऑप्शन है आपका एस सोमनाथ जो है आपके इसरो के नए चेयरमैन हैं, तो इसलिए भी इनका नाम याद रखना है एस सोमनाथ, इसरो के नए चेयरमैन। समीर वी कामत जो है आपके DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के नए अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, इसलिए इनका नाम भी याद रखना है। डॉक्टर मनोज सोनी जो है वो आपके UPSC के नए चेयरमैन है, UPSC के वर्तमान चेयरमैन कौन है मनोज सोनी, समीर वी कामत क्या है DRDO के नए अध्यक्ष हैं, एस सोमनाथ क्या है इसरो के नए अध्यक्ष हैं, जबकि विनय कुमार सक्सेना आपके दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं। देखिए जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसरो हो गया, DRDO हो गया, UPSC हो गया, और भी अन्य संस्थान हो गए, उसके चेयरमैन का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। व्यापम के एग्जाम्स में, SI जैसे एग्जाम्स में अक्सर इसे पूछने की संभावना है और व्यापम में पूछता भी रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं उपराज्यपाल के टॉपिक को मैंने क्यों टच किया है, तो राज्यपाल उपराज्यपाल से भी सवाल बहुत बार व्यापम में पूछे जाते हैं। आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि नवीन नियुक्त राज्यपाल अगर कोई होता है या कहीं के नवीन नियुक्त मुख्यमंत्री होते हैं तो वहां से सवाल पूछा जाता है। तो दिल्ली के नए आपके उपराज्यपाल होंगे विनय कुमार सक्सेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का प्रथम लेवेंडर फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया। लेवेंडर का एक प्रकार का फूल है और इससे संबंधित एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया जिसे कहां किया गया, जम्मू कश्मीर में। हमने देखा कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत भी कहां थी, जम्मू कश्मीर में, और 24 अप्रैल को जब पंचायत दिवस मनाया जाता है तो उसके लिए भी वेन्यू कहां को सेलेक्ट किया गया था, जम्मू को ही सेलेक्ट किया गया था, जिसमें आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शिरकत की थी। ठीक है, तो लेवेंडर फेस्टिवल आपको याद रखना है। ऐसे ही छोटे छोटे फेस्टिवल्स होते हैं जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड, और ऐसे जितने प्रकार के फेस्टिवल्स होते हैं वो आपके वन डे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को कवर करने का मतलब यही है, मकसद यही है कि जितने फेस्टिवल्स आपको आप एक बार अपने नजरिए से देख सकते हैं, सरसरी निगाह लगा सकते हैं, फेस्टिवल्स को जरूर एक बार पढ़ करके जाएं, और हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस के माध्यम से भी ज्यादातर फेस्टिवल्स को कवर कर लें। तो जम्मू कश्मीर में आपका लेवेंडर फेस्टिवल, हिमाचल प्रदेश को देखोगे तो हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या फैक्ट देख सकते हैं, देखिए पहला LPG सशक्त राज्य है, मतलब कि सभी घरों में LPG पहुंचाने वाला पहला राज्य है। इसके अलावा यह धूम्रपान मुक्त राज्य है हिमाचल प्रदेश, गांजे की खेती को जो है लीगलाइज करने वाला पहला राज्य है, दालचीनी की खेती करने वाला पहला राज्य है, इसके अलावा ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भी पहला राज्य है। एक कैबिनेट प्रणाली क्या होगा, तो जो कैबिनेट वगैरह की बैठक होती है उसको पेपरलेस बनाना। दूसरा, दालचीनी एक मसाला है आप सबको पता है। इसके अलावा गांजे की खेती को क्यों लीगलाइज किया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आप सबको पता है टूरिस्टिक प्लेस है, बहुत सारे लोग वहां पे यही सब पर्पस से भी जाते हैं और उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, इस वजह से हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने उसको लीगलाइज कर दिया है। क्लियर, तो इतने सारे फैक्ट्स हिमाचल प्रदेश के बारे में भी याद रखेंगे। एक एक लाइन क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूं, एवरी एंड ईच लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंदौर को अगर आप देखोगे तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर जो है ना, क्लीनेस्ट सिटी, और ऐसा करने वाला वो पांचवी या छठी बार उसने लगातार अपने आप को ये सम्मान दिलवाया है स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी के कैटेगरी में। इसके अलावा भारत का पहला वाटर प्लस
वाटर प्लस सिटी पहला वाटर प्लस सिटी भी कौन है आपका, इंदौर है। तो इंदौर के बारे में ये दो फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। हैदराबाद के बारे में क्या देख सकते हैं, तो हैदराबाद में आप देख लेंगे कि ओपन रॉक कट म्यूजियम है, हैदराबाद में ओपन रॉक कट म्यूजियम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, लेकिन नवीन चीजों में अगर आप देखोगे तो ओपन रॉक कट म्यूजियम। तो आई होप इतनी सारी चीजें आप याद रख पाएंगे। तो जो भी प्रथम, जैसे भारत में होने वाली कोई प्रथम चीज है, कोई शहर ने अगर कोई विशेष अचीवमेंट हासिल किया है, तो ऐसी चीजें भी आपके करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीता एक जानवर होता है जिसे वापस भारत में बसाया गया, तो इसकी शुरुआत पूछ रहा है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान से की गई। तो आप सबको पता है हाल ही में नामीबिया जो अफ्रीकन देश है वहां से कुछ 7 या 8 चीतों को भारत लाया गया, और उन्हें जो है मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दोबारा बसाया जा रहा है। इसी बहाने आप देखते चलें कि जो चीता होता है उसका IUCN कैटेगरी क्या है, IUCN कैटेगरी क्या है, तो वो इंडेंजर्ड है। मैं बताता चलूं, इंडेंजर्ड है मतलब कि इंडेंजर्ड मतलब विलुप्त प्राय है। और अब बाकी के बारे में देखोगे तो अगस्त मलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु में है, उसके बारे में फैक्ट यह है कि ये एलिफेंट रिजर्व है और सबसे नवीनतम एलिफेंट रिजर्व है भारत का। ये केबुल लामजाओ के बारे में देखोगे तो ये कहाँ है, तो ये है आपका मणिपुर में, और जो है ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कई बार आपसे पूछता है सवाल, तो केबुल लामजाओ कहाँ है, तो मणिपुर में है। क्लियर। अगस्त मलाई अगर देखा जाए बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है, हाथी रिजर्व है और रिसेंट हाथी रिजर्व है, कूनो मध्य प्रदेश में है, और यहां पे दोबारा अभी चीतों को वापस से बसाया गया है। चीते का अगर आप IUCN कैटेगरी देखोगे तो इंडेंजर्ड। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। कई बार बेसिक राष्ट्रीय उद्यान से भी सवाल पूछता है, इस वजह से आप जितने भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, वैसे तो 100 से भी ज्यादा है, 115 के आसपास है, सभी को आपको याद नहीं करना है, लेकिन मुख्य जो है उन्हें एक बार सरसरी निगाह से जरूर देख लें। चलिए, इतिहास में पहली बार चेस ओलंपियाड भारत में आयोजित किए गए या भारत के किस शहर में आयोजित किए गए। हाल ही में CGPSC प्यून का एग्जाम हुआ, उसमें भी ये सवाल पूछा, तो चेस ओलंपियाड जो है आपके चेन्नई के महाबलीपुरम में ये आयोजित किए गए आपके चेस ओलंपियाड। ये जो था चेस ओलंपियाड, ये आपका 44वां चेस ओलंपियाड था, ठीक है। और इसका आयोजन डेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप रिमाइंड करके चलें। भारत ने इसमें कौन सा मेडल जीता, तो ओपन कैटेगरी में भी कांस्य और महिला कैटेगरी में भी कांस्य का मेडल जीता। तो चेन्नई के महाबलीपुरम में आपका चेस ओलंपियाड आयोजित किया गया, भारत में पहली बार आयोजित किया गया। और इसी चेस ओलंपियाड में पहली बार जो है टॉर्च रैली निकालने की शुरुआत की गई, और ये टॉर्च रैली कहां से निकली, दिल्ली से निकली, 75 दिन घूमते हुए फाइनली चेन्नई के महाबलीपुरम पहुंची और वहां पे फिर चेस ओलंपियाड आयोजित किया गया। तो इसका एक आंसर आप मेरे को दें कि चेस ओलंपियाड कब से कब तक आयोजित किया गया, कौन सा ओलंपियाड, चेस ओलंपियाड। क्लियर। चलिए, और जो अन्य जो शहर है जैसे भुवनेश्वर और राउरकेला, ये दोनों उड़ीसा के शहर है, और वर्ष 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होने वाला है, भारत में आयोजित होने वाला है, भारत के इन्हीं दो शहरों में, भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित होने वाला है। गोवा में क्या होने वाला है भैया, तो अगले साल 37वां राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स गोवा में होगा 2023 में। 36वां राष्ट्रीय खेल अभी हाल ही में गुजरात में हुआ है, आगे आने वाले वीडियोज में हम उसको अच्छे डिटेल से कवर करेंगे। तो चेस ओलंपियाड चेन्नई। अब देखो ये क्वेश्चन PSC के प्यून वाले में पूछा, SI के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो संख्या आपको याद रखना है 44वां। भारत ने कौन सा मेडल जीता, तो ओपन कैटेगरी में कांस्य मतलब ब्रॉन्ज, महिला की कैटेगरी में भी ब्रॉन्ज। बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसकी आयोजन तिथि क्या थी, डेट क्या था, अभी वहां से भी एक सवाल बन सकता है। चलिए अगले टॉपिक पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए ब्रिक्स देशों का 14वां सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो वर्ष 2022 के लिए देखिए ब्रिक्स जो है 5 देशों का एक बहुराष्ट्रीय संगठन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो 2021 का जो आयोजन था वो इंडिया में किया गया था, और ये जो है ना ये ऐसा सर्कल में ही चलता रहता है, ठीक है, क्लॉकवाइज सर्कल में चलता रहता है। अगर इस साल ब्राजील में हुआ है तो अगले साल रशिया, अगले साल इंडिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। तो 2021 में मतलब पिछले वर्ष इंडिया में आयोजित किया गया था, इसलिए 2022 में जो है आपका इसे चाइना में आयोजित किया गया, चीन में, और 2023 में इसे आयोजित किया जाएगा आपके साउथ अफ्रीका में। तो 2022 के लिए अगर आपसे पूछता है तो कहां आयोजित किया गया, तो
चीन में आयोजित इसे किया गया था। क्लियर? तो इस तरीके से सीक्वेंस में इसको याद रखना, पांचों देशों का नाम याद रखना। व्यापम ने और क्या क्या पूछा है, जैसे कि I2U2, इंडिया, इजराइल, ठीक है, UAE, USA, तो ये चार देश हैं। जैसे आपसे पूछ लिया था कि क्वाड में कौन कौन से देश हैं, अगर आपने पिछले साल मंडी निरीक्षक का एग्जाम दिया होगा तो क्वाड में कौन कौन से देश हैं पूछा था, तो आपको यहाँ पे जवाब देना था ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और आपका यूएसए। तो इन्हीं चारों देशों के बारे में पूछा था। तो इस साल I2U2 एक नया संगठन है, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, ये चारों का नाम आपसे पूछ सकता है कि I2U2 में से कौन, इनमें से कौन सा देश नहीं है। ब्रिक्स में आप पहले वर्ड से ही आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन से देश हैं, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। 2022 मतलब इस वर्ष की बैठक जो है आपकी कहां हुई है, चाइना में हुई है। अगले वर्ष कहां होगा अगर पूछता है, तो वो हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका में। तो इसे आप याद रखें, अंतरराष्ट्रीय जो भी बैठकें होती हैं, जैसे SCO की बैठक हो गई, या फिर ब्रिक्स की बैठक हो गई, या फिर कॉप पार्टीज की बैठक हो गई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो ये था आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 16 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 16 क्या बोल रहा है, हाल ही में खबरों में रहा थेरीकाडु क्या है? देखो, थेरीकाडु कुछ नहीं है, तमिलनाडु में एक रेगिस्तान मिला है। अब ये अचंभित होने वाली बात है, क्योंकि रेगिस्तान हमको अक्सर राजस्थान में मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे जलवायु परिवर्तन की वजह से तमिलनाडु में एक रेगिस्तान पाया गया है, और वो रेगिस्तान का जो उस रेत का जो कलर है वो पूरी तरीके से लाल है। बहुत बड़े एरिया में नहीं है, छोटे एरिया में है, लेकिन क्योंकि पर्यावरण संबंधित एक इंपॉर्टेंट खबर है, इसलिए अगर आपसे कभी गलती से भी पूछता है कि थेरीकाडु क्या है, तो तमिलनाडु में पाए जाने वाला लाल मरुस्थल, तमिलनाडु में पाए जाने वाला लाल मरुस्थल, ठीक है। तो इसी बहाने आप तमिलनाडु के और नेशनल पार्क्स वगैरह अगर आप देखना चाहो तो क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे, और क्या है, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे, और आपका टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसे भी आप एक बार रिवाइज करके जाएं। और तमिलनाडु में थेरीकाडु अगर आपसे पूछता है तो लाल मरुस्थल। क्लियर? अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक या बोल्ट्जमैन मेडल किसे दिया गया? तो बोल्ट्जमैन जो मेडल है उसे कहीं ना कहीं मैथ्स का हम नोबेल बोल सकते हैं, जैसे हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, ऐसे ही इसे जो है गणित का, मैथ्स का नोबेल आप बोल सकते हैं, ठीक, मैथ्स का नोबेल। अच्छा, ये किसे दिया गया? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार ये किसी भारतीय को दिया गया, और वो भारतीय कौन थे आपके, तो वो है आपके दीपक धर। मैं उम्मीद करता हूं ये नाम आप याद रखेंगे, दीपक धर जी का, जिन्हें कौन सा सम्मान दिया गया है, तो बोल्ट्जमैन मेडल या बोल्ट्जमैन पुरस्कार दिया गया है। अन्य ऑप्शंस पे चर्चा कर लेते हैं। कल्याण चौबे, हाल ही में फुटबॉल संघ का चुनाव हुआ जिसमें बाईचुंग भुटिया को हराने के बाद में कल्याण चौबे जो है भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है, फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष, नाम याद रखेंगे कौन, कल्याण चौबे। अच्छा, आपसे अगर सवाल पूछता कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो इनकी भी नियुक्ति एकदम नवीनतम है, और इनका नाम है आपका दिलीप तिर्की, पूर्व ओलंपियन है, उड़ीसा से खेलते थे, और इन्हें जो है हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। कल्याण चौबे फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष, और आपके दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। पिनाकी चंद्र घोष कौन है, तो ये आपके भारत के प्रथम लोकपाल हैं, भारत के प्रथम लोकपाल हैं, ठीक है, तो लोकपाल का भी नाम याद रखना, पूर्व में ये सवाल भी पूछा जा चुका है। शक्तिकांत दास कौन है, तो वर्तमान में RBI के गवर्नर है, वर्तमान में RBI के गवर्नर है। और बोल्ट्जमैन पुरस्कार तो हमने याद कर लिया, इनका नाम क्या है, दीपक धर। पहली बार किसी भारतीय को दिया गया बोल्ट्जमैन पदक, मैथ्स का नोबेल उसे बोला जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जो वर्तमान में चल ही रहा है, इस दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, रूस में बहुत सारे फंसे हुए थे और आम नागरिक भी थे, तो उनको वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया अगर आपसे पूछता है, तो ऑपरेशन गंगा, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन गंगा अच्छे से याद रखेंगे। किन्हें वापस लाने के लिए, तो रूस यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों और नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए।
ऑपरेशन वंदे भारत अगर आपसे पूछे तो कोविड 19 के दौरान विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था आपका ऑपरेशन वंदे भारत, जबकि ऑपरेशन गंगा आपके रूस यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति पीएससी के इंटरव्यू में हाल ही में हमारे एक मित्र से सवाल पूछ लिया गया, ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है? तो आप सबको पता है एक साल पहले तालिबान में जो है तख्ता पलट हुआ, तो वहां पर बहुत सारे भारत के नागरिक और बहुत सारे हमारे सिख भाई वहां पे फंसे हुए थे, तो उनको भारत वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसे ऑपरेशन देवी शक्ति बोला जाता है, ठीक, तो इसे भी याद रखेंगे। ऑपरेशन ओलिविया ये किसी देश से किसी नागरिक को वापस लाने के लिए नहीं चलाया गया था। ओलिव टर्टल जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, कछुआ होता है, जो उड़ीसा के तट पे पाया जाता है, उड़ीसा के समुद्री तट पे, तो उस ओलिव टर्टल को बचाने के लिए, ओलिव टर्टल मतलब कछुए को बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक जो हमारी कोस्ट गार्ड्स होते हैं उनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे ऑपरेशन ओलिविया बोला जाता है। तो साल भर में जितने भी ऑपरेशन वगैरह चलाए गए होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वनडे एग्जाम के लिए, एक बार इस पर नज़र डाल करके जरूर जाएं। और कुछ नहीं देख पाते हैं तो ये चारों को ही देख लें, बहुत रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं, यहां से भी आपका काम जो है चल जाएगा। अगला सवाल है, धर्मा गार्जियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित की जाती है? तो धर्मा गार्जियन बहुत ही ज्यादा फेमस सैन्य अभ्यास है, तो धर्मा गार्जियन जो है आपका भारत और जापान के बीच में आयोजित की जाती है, तो इसे भी आप याद रखें। और आपका एक होमवर्क है, जितने भी सैन्य अभ्यास हैं प्लीज 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 उसे अच्छे से एक बार रिवाइज करें। भारत और रूस के बीच में आयोजित होता है, भारत अमेरिका, भारत ब्रिटेन, जितने भी आयोजन होते हैं सैन्य अभ्यास उसे जरूर एक बार देख करके जाएं। आप बताएं मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि मलाबार युद्ध अभ्यास जो है किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। अब भारत और रूस के बीच में होने वाले, भारत जापान, भारत अमेरिका, भारत ब्रिटेन के बीच में होने वाले जितने भी युद्ध अभ्यास हैं उसे भी जरूर एक नजर से देख करके जाएंगे। भारत का पहला, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र मतलब कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है आपके असम में, अभी बहुत कम क्षमता है, अभी पायलट प्रोजेक्ट है, और इसके आने से क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन के आने से आपके फ्यूल जो रिक्वायरमेंट होती है गाड़ी वगैरह चलाने में उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन में आप 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन में आप 150 से 200 किलो फ्यूल का, 150 से 200 लीटर फ्यूल का काम जो है आप 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन से ले सकते हैं। तो इसके लिए पहला जो संयंत्र है, पहला जो प्लांट है वो असम में लगाया गया है। आप सबको पता है सरकार जो है लगातार ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने आप को अग्रसर कर रही है, इसी तहत, इसी के बहाने आप देख रहे होंगे कि देश भर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाए जा रहे हैं, राज्य में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी लाई गई है, उसी को और बढ़ावा देने के लिए शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र आप बोल सकते हैं। तो कहां स्थापित किया गया है? तो असम में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय बैडमिंटन टीम ने हाल ही में किस देश को हरा करके थॉमस कप जीता? सबसे पहले तो इसमें एक क्वेश्चन यहीं पे बन गया, थॉमस कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, और इतिहास में पहली बार हुआ कि इंडोनेशिया को हरा करके आपके भारत ने जो है थॉमस कप जीता। अभी तक भारत ने यह थॉमस कप कभी नहीं जीता था। इसमें आप देखते आएंगे कि इंडोनेशिया, चाइना, मलेशिया और डेनमार्क, इन चार देशों का दबदबा एक तरफा रहा है थॉमस कप में। थॉमस भाई साहब एक जो है पूर्व ब्रिटिश थे और बहुत लेजेंडरी बैडमिंटन, टेनिस और स्विमर और बहुत सारे खेल खेलते थे, तो उन्होंने सन 1944-45 में जो है थॉमस कप की शुरुआत कर दी और तब से ये चला आ रहा है। और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, भारत ने इसे पहली बार जीता है, भारत ने इसे पहली बार जीता, और किसे हरा करके जीता है? तो इंडोनेशिया को हरा करके जीता है। तो ऐसे जो कप होते हैं जैसे ईरानी कप हो गया, थॉमस कप हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, तो ऐसे कप या ट्रॉफी किस किस खेल से संबंधित है प्लीज इसका लिस्ट बनाइए, इसे याद कीजिए, आपके एग्जाम में यहां से सवाल बनता है। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, मतलब कि अगला जो CWG गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो देखिए बर्मिंघम में तो 2022 का आपका CWG गेम्स आयोजित किया गया, इसे डिटेल से देखना है तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है। भारत की इसमें रैंकिंग जो है वो चौथी रही, और टोटल कितने मेडल जीते ये मेरे को आप बताइए। अच्छा, तो अगला राष्ट्रमंडल खेल CWG गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित किया जाएगा, तो इसे बहुत अच्छे याद रखें, अगला CWG गेम्स कहां आयोजित किया जाएगा, यहां से सवाल बनता है। अच्छा,
ओलंपिक्स आप सबको पता है कि 2020 का ओलंपिक कहां आयोजित किया गया था, 2020 का ओलंपिक जो है टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था, जबकि अगला जो ओलंपिक है 2024 का, अच्छा 2020 वाला ओलंपिक जो है वो 32वां ओलंपिक था, अगला जो ओलंपिक होगा वो 33वां ओलंपिक होगा और उसका आयोजन पेरिस में किया जाएगा वर्ष 2024 में, पेरिस में किया जाएगा वर्ष 2024 में। पेरिस कहां है भैया, इटली में है कि फ्रांस में है कि जापान में है, तो फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी है आपकी पेरिस, यूरोपीय देश है, 2024 में आयोजित किया जाएगा, वो 33वें नंबर का होगा। और 34वें नंबर का जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उसका आयोजन जो है वर्ष 2028 में कहां आयोजित किया जाएगा, तो लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। तो इतने सारे फैक्ट्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड याद रखें, आने वाले वर्षों के आयोजन से भी आपसे सवाल पूछता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन कहां किया गया, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 वर्ष 2021 था, आयोजन 2022 में किया गया और इसका आयोजन जो है आपके बेंगलुरु में किया गया, बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका आयोजन जो है पंचकुला हरियाणा में किया गया, पंचकुला हरियाणा में किया गया। इसी में बहुत सारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने मेडल जीत करके लाया था भारोत्तोलन और बहुत सारी चीजों में, जिसमें सरिता पोयाम जी का नाम आया था और भी बहुत सारे नाम याद आए थे। तो पंचकुला में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलोर में हुए वो दूसरे नंबर के थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए वो चौथे नंबर के थे। गुलमर्ग जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो गुलमर्ग में जो है का विंटर खेलो इंडिया विंटर गेम्स, मतलब कि जो बर्फ संबंधित गेम होते हैं वो गुलमर्ग में आयोजित किए गए। अब भुवनेश्वर और राउरकेला उड़ीसा में बता ही चुका हूं बार-बार कि अगले साल का हॉकी का विश्व कप होने वाला है, हॉकी कहीं ना कहीं व्यापम का मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहता है, वहां से सवाल वो उठाता ही है। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं, देखिए ग्रैंड स्लैम से बहुत बहुत सारे सवाल बने हैं आज तक आपके व्यापम पीएससी में, जो भी टेनिस टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उससे संबंधित। तो यूएस ओपन मतलब कि आपका लास्ट जो टूर्नामेंट होता है साल का यूएस ओपन, उसके विजेता कौन रहे एकल कैटेगरी के, तो उसके जो विजेता है वो आपके कार्लोस अल्कराज जी रहे हैं, ठीक। इसके अलावा और कौन कौन सा टूर्नामेंट होता है अगर आप देखोगे, तो सबसे पहले तो आपका हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो फ्रेंच ओपन, उसके बाद आप देखोगे तो विंबलडन, ठीक, और लास्ट में हो जाता है साल के लास्ट में यूएस ओपन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ इस साल के पीएससी में भी यहाँ से सवाल पूछा है, व्यापम में कई बार सवाल पूछा जा चुका है, इसके अलावा इंडिविजुअल कैटेगरी में यहाँ से सवाल पूछता ही रहता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन दोनों ही जीता था आपके राफेल नडाल जो है, उन्हें क्ले कोर्ट का किंग कहा जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो है क्ले मतलब कि मिट्टी के कोर्ट में खेला जाता है, लाल मिट्टी के, विंबलडन जो है वो ग्रास के कोर्ट में खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल के विजेता राफेल नडाल थे, विंबलडन जो होता है, अच्छा ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता है, फ्रेंच ओपन फ्रांस में होता है, विंबलडन जो है वो लंदन में होता है, यूएस ओपन अमेरिका में होता है। विंबलडन के विजेता इस साल 2022 के नोवाक जोकोविच रहे और यूएस ओपन के आपके विजेता हो गए कार्लोस अल्कराज। आपके लिए होमवर्क यह है कि इन सब कैटेगरी में वुमेन्स महिला खिलाड़ी जो कौन कौन विजेता रही हैं उनको जरूर पता लगाएं और एक बार देख करके जाएं, खासकर यूएस ओपन का तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यूएस ओपन हाल ही में कंक्लूड हुआ है और अब इस साल के टूर्नामेंट समाप्त हो चुके हैं, अब नया टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन फिर से जनवरी के माह से शुरू किया जाएगा। तो यह था आपका यूएस ओपन से संबंधित सवाल। अगला जो सवाल है, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 की विजेता टीम कौन सी बनी, तो ये दो दिन पहले ये कंक्लूड हुआ है, इसकी विजेता भारत बनी। ये आयोजन कहां किया गया, मतलब कि एशिया कप के आयोजन कहां किया गया था, तो होस्ट सिटी होस्ट जो कंट्री था वो था आपका बांग्लादेश और इसको जीतने वाले थे आपका इंडिया, और फाइनल में इंडिया ने किसे हराया, तो श्रीलंका को। अब भारत ने जो है ये टूर्नामेंट कौन कितनी बार जीत लिया है, तो सातवीं बार जो है इस टूर्नामेंट को भारत ने जीता है। तो ये हो गया एशिया कप, 16 तारीख से ही आपका T20 वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया। अच्छा ये वुमेन्स कैटेगरी का था ना, ये भी बता दूं, वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है भैया, अगर नहीं पता होगा तो। वुमेन्स एशिया कप सातवीं बार भारत ने जीता, आयोजन बांग्लादेश में हुआ, फाइनल में श्रीलंका को हराया। आप मुझे बताइए कि मैन ऑफ द सीरीज कौन बनी,
कौन बनी, या फिर वुमेन ऑफ द सीरीज कौन बनी। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, इसका आयोजन भी ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, आयोजन शुरू हो गया है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। तो ये थे टॉप 25 MCQs इंडियन करंट अफेयर से संबंधित, और 25 करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज जितने क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको टॉपिक से रूबरू कराया है, उसे जरूर आप अपने माध्यम से भी एक बार रिवाइज करें, उसको थोड़ा फिनिश करने का प्रयास करें, ताकि करंट अफेयर से संबंधित सवाल आपसे आसानी से डील हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।